ओके okay, बच्चों आज मैं एक नया स्कूल का पेपर ले रहा हूँ सी का एस का बोर्ड तो ये वाला पेपर सॉल्व करेंगे और आप लोग बताना शुरू कीजिए सबसे पहला पिक्चर वाला ही क्वेश्चन होता है टेंथ क्लास का है ये पेपर पढ़िए क्वेश्चन और बताइए इसमें क्या हो सकता है ठीक देखिए ये एक स्क्रीन दी गई जिसमें सेंड मनी टू पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एच डी एफ सी बैंक और लिंक न्यू बैंक अकाउंट अब यहाँ पर विच स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज रिप्रेजेंटेड बाय द अब पिक्चर तो ये चीज जो है स्ट्रक्चर में ये ऐसे स्विच केस में हो सकता है लूप में हो सकता है इफेल्स में हो सकता है या मेथड ओवरलोडिंग में बताइए बच्चों, आपको मनी भेजनी है और आपके सामने स्क्रीन आए कि किसमें भेजनी है तो ये कॉन्सेप्ट किसको फॉलो कर रहा है सर अच्छा स्विच केस नहीं नजर आ रहा है केस वन केस टू केस थ्री कोई एक ऑप्शन चाहिए ना इसमें तो ये स्विच केस है बच्चों इतना जल्दी कैसे भूल गए ये ऑप्शंस दिए ना आपको पैसे भेजना है अब उसमें लिस्ट आ रही राम सीता गीता मोहन तो जिसको भेजना है किसी एक को ही तो भेजोगे तो चॉइस तो हमारी है वैसे भी हाँ तो ये स्विच केस है फिर देखिए कीवर्ड दैट इज यूज्ड टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास फटाफट होते जाइए न्यू सी न्यू न्यू एसर्शन का है अ कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड और अ कंस्ट्रक्टर गेट्स एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली एट द टाइम ऑफ व्हेन वी क्रिएट क्लास ऑब्जेक्ट तो नीचे वाली लाइन तो बिल्कुल सही है अब कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड तो कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड हो सकता है कंस्ट्रक्टर कैन नॉट बी ओवरलोडेड का मतलब समझ लीजिए एक बार जैसे फंक्शन ओवरलोडेड का मतलब होता है कि एक से अधिक फंक्शन हो और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड का मतलब एक से अधिक कंस्ट्रक्टर हो तो आपको याद है कि एक प्रोग्राम में एक से अधिक कंस्ट्रक्टर बना सकते हो नहीं बना सकते हो बताओ एक प्रोग्राम मैंने कंस्ट्रक्टर पढ़ाया था जिस दिन पहली क्लास उसमें कंस्ट्रक्टर का एक एग्जाम्पल दिया था जिसमें दो कंस्ट्रक्टर थे एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था एक पैरामीटराइज तो उसमें हमने बताया था कि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को ध्यान नहीं दिया जाता है जब पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर होता है तो पैराइज कंस्ट्रक्टर की ही वैल्यू भेजी जाती है तो ये आपका कंस्ट्रक्टर ओवरलोडेड कह रहा है और जबकि कंस्ट्रक्टर तो ओवरलोडेड किया जा सकता है तो ए गलत है तो ए गलत है इसका मतलब कौन सा ऑप्शन ऑप्शन डी ऑप्शन डी ट्रू बिल्कुल सही तो उसके बाद भाई फटाफट बोलो हैं गलत बोल दो कोई बात नहीं हमें पता चले अच्छा विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज नॉट यूज टू अच्छा कई बच्चे यहां पर नॉट देखने भूल जाते इतनी जल्दीबाजी में होते हैं नॉट यूज टू इनपुट एन इंटीजर वैल्यू तो इनमें से इंटीजर वैल्यू कैन नॉट इनपुट तो बाइट इंटीजर वैल्यू इनपुट नहीं करता है नहीं बाइट तो इंटीजर ही uh, करता है ठीक है लॉन्ग इंटीजर करता है और आई एंटी इंटीजियर करता है नेक्स्ट तो नहीं करता है नेक्स्ट क्या होता है वो स्ट्रिंग इनपुट करता है ठीक है ना तो नॉट वाला पूछा था उसके बाद जो है नए क्वेश्चन नोट कर लेना अब यहां पे देखो मिन में कौन सा आएगा 55, 55 और uh, 40 और 55 में मैक्स कौन आएगा 55 तो 55 ऑप्शन बी ऑप्शन बी उसके बाद टाइप ऑफ एरर प्रेजेंट इन द फॉलोइंग प्रोग्राम कोड तो देखो ये वर्ड चेक ये सब सही लिखा है करली बैकेट भी सही खुला है वेराबल भी सही डिक्लेयर है और ये डिवाइड कर दिया तो ठीक है ये भी सही है डायरेक्ट वेराबल डिक्लेयर करके आप कैलकुलेशन करवा सकते हैं तो ये डिवाइड भी हो गया फिर स्विच में रिमाइंडर रख दिया ठीक है फिर कल ब्रैकेट खोला केस ज़ीरो ठीक है यहाँ ब्रेक नहीं लगाया तो ब्रेक नहीं लगाना कोई एरर नहीं है तो फॉल्तू कंडीशन है आप लगाओ चाहो लगाना चाहो लगाओ ना चाह लगाना चाहो चाह। ना लगाओ अभी बताते हैं देखते हैं ध्यान से ओके okay. तो देखो कहीं कोई सेमी कॉलन कहीं डबल कोर्स स्टार्ट हुआ बंद हुआ अब यहाँ पर ब्रेक नहीं लगा फिर केस वन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन कोड इसमें भी कोई एरर नहीं है फिर स्विच केस बंद हो गया डिफॉल्ट भी ऑप्शनल होता है याद है आपको ठीक है आप देखते हैं यहाँ पर ऑप्शन क्या है सिंटेक्स एरर रन टाइम एरर डज नॉट एनी एरर तो अभी तक आपने ध्यान दिया कहीं कोई एरर नजर आई तो क्या सर इसमें ऑप्शन डी है ऑप्शन डी डज नॉट एनी एरर उसके चूज ऑड वन आउट ऑफ फ्रॉम फॉलोइंग तो इसमें ऑड क्या है देखो फॉर एक लूप है वाइल एक लूप है और डू वाइल एक लूप है इफ क्या लूप नहीं है तो यानी ऑड ये कंडीशन होती है हाँ ठीक फिर उसके बाद देखिए की वर्ड दैट इज यूज टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैथेड पैरामीटर एंड इंस्टेंस वेरेबल मैथेड पैरामीटर और इंस्टेंस वेरेबल मैं जल्दी से एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ एक एग्जाम्पल इसका था दिस की वर्ड का एक्स वाई जेड कर ली ब्रैकेट और यहाँ पे मान लीजिए आई एन टी ए है और फिर आपने कंस्ट्रक्टर बनाया एक्स वाई जेड और इसमें भी आई एन टी ए ले लिया अब कंस्ट्रक्टर का, का काम क्या है पैरामीटाइज का इसकी वैल्यू इसको दे दें तो यहाँ तो लिखना पड़ेगा ए इक्वल टू ए तो अब कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा कि ग्लोबल वेरिएबल ए कौन सा है लोकल वेरिएबल ए कौन सा है वो हम जानते हैं कि ये वाला ग्लोबल है और ये वाला लोकल है लेकिन कंप्यूटर नहीं जानता है ना तो यहाँ पर दिस लगाना पड़ेगा दिस डॉट ए तो जिसके साथ भी दिस लगा दोगे वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल कहा जाएगा तो ये आपका ये ग्लोबल हो गया ये लोकल हो गया तो ये डिफरेंस आर्गुमेंट वेरेबल पैरामीटर वेरेबल और इंस्टेंस वेरेबल डिफरेंस कौन बता रहा है this बता रहा है तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा ये अच्छा क्वेश्चन था फिर आपका इन दिस स्टेटमेंट इन द स्टेटमेंट गिवन बिलो विच पार्ट रिप्रेजेंट द कंस्ट्रक्टर तो देखो डी ये कंस्ट्रक्टर ही होता है कॉलिंग तो आप पहचान जाओ यहाँ पर डी और आप देखो डिजिटल वो भी लिखा है लेकिन कंस्ट्रक्टर है तो कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन होता है तो उसके आगे गोल वाला ब्रैकेट होना जरूरी है तो ऑप्शन डी सही है इसका उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सेस स्पेसिफायर ग्रुप अलाउज एक्सेबिलिटी आउट द क्लास भैया एक्सेसिबिलिटी आउट द क्लास तो आपका जो है प्राइवेट प्रोटेक्टेड और पब्लिक तो आप यहां पर ध्यान दो समझ लो कि अगर इनहेरिटेंस नहीं किया है और एक प्रोग्राम में दो क्लास हैं तो पहले प्रोग्राम की क्ला वेरेबल्स या फंक्शन दूसरे क्लास में जा सकते हैं अगर पहले क्लास के वेरेबल या फंक्शन पब्लिक डिक्लेयर किए हैं ठीक तो दूसरे क्लास में जा सकते हैं फिर अगर क्लासेस इनहेरिटेड हैं यानी पहली क्लास दूसरी क्लास से जुड़ी हुई है तो उसके पब्लिक तो जा ही सकते हैं लेकिन प्रोटेक्टेड भी जा सकते हैं अगर पहली क्लास में वेरिएबल या फंक्शन प्रोटेक्टेड से डिक्लेयर हैं तो इनहेरिटेंस में दूसरी क्लास में वो जा सकते हैं तो यहां पर एक बार फिर से मैं पढ़ ले रहा हूं विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफायर ग्रुप ग्रुप पूछ रहा है मतलब एक से अधिक वो एक्सेस स्पेसिफायर कौन कौन से हैं जो एक्सेसिबिलिटी आउटसाइड द क्लास यानी क्लास से बाहर उनको उनके मदद से वेरेबल्स या फंक्शन को एक्सेस किया जा सकता है तो आपका पब्लिक है आपका कोई ऐसा ग्रुप है क्या कि जिसमें पब्लिक प्रोटेक्टेड दोनों आ रहे हो बी वाला तो ये अब पब्लिक तो जा ही सकता है लेकिन प्रोटेक्टेड कब जा सकता है जब इनहेरिट कर दिया जाए क्लास को तो ये बी वाला सही जाएगा आपका खाली पब्लिक पे ध्यान ना देना इतनी जल्दी क्योंकि वहां पे ग्रुप वर्ड यूज किया गया ठीक है इनहेरिटेंस के अकॉर्डिंग तो पब्लिक तो जा ही सकता है चाहे इनहेरिटेंस हो चाहे ना हो और प्रोटेक्टेड भी जा सकता है लेकिन प्राइवेट किसी हालत में नहीं जा सकता ओके डेटा टाइप कैन बी हाँ पास बाय वैल्यू में प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं और यही तो डिफरेंस भी है पास बाय वैल्यू में प्रिमिटिव डेटा टाइप वैल्यू भेजे जाते हैं वैल्यू के रूप में और कॉल बाय रेफरेंस में नहीं नहीं हाँ, में भेजे जाते हैं ठीक अगर यही question आप लोगों ने कायदे से पढ़ लिए तो आपको कोई नया question नहीं मिलने वाला है है इतना इतना पे हो चुका है, और पे पढ़ा हुआ फॉलोइंग कुटेक्स टू क्रिएट अ कंस्ट्रक्टर अभी भी हमने ऊपर लिखा था पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर फॉर कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रक्ट नाम की क्लास है उसका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाना है देखो और पैरामीटराइज का मतलब सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए गोल वाले ब्रैकेट में वेरेबल होंगे तो देखो इसमें तो गोल वाले ब्रैकेट में वेरेबल है ही नहीं तो ये तो हो ही नहीं सकता अब ये कंस्ट्रक्ट नाम की क्लास है और कंस्ट्रक्ट ये भी लेकिन यहां पे रिटर्न टाइप दे दिया गया तो आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए कंस्ट्रक्टर नेवर रिटर्न वैल्यू नॉट इवन वर्ड तो ये भी नहीं हो सकता पैरामीटाइज तो है लेकिन वैल्यू रिटर्न हो रही है फिर यहां पर पब्लिक कंस्ट्रक्टर ये ये सही है ये वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा है और पैरामीटराइज भी है तो ऑप्शन सी सही है इसका और डी वाला क्यों गलत है फिर से इसमें वैल्यू रिटर्न कर दी है ना सर इसमें आगे कर्ली ब्रैकेट क्यों लगे हर क्वेश्चन के आगे वो कंस्ट्रक्टर का कर्ली ब्रैकेट खुलता है और बंद होता है तो उसके अंदर कोई डेटा नहीं लिखा गया बस कर्ली ब्रैकेट खोला और बंद कर दिया तो ये सामने भी ऐसे किया जा सकता है इसके अंदर का डेटा नहीं लिखा गया है कौन सा okay, अभी कंस्ट्रक्टर में हमने ए की वैल्यू दिस डॉट ए को दी थी ना तो वो स्टेटमेंट uh, लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाए थे वही वाला है कंस्ट्रक्टर एक फंक्शन है फंक्शन का कर्ली ब्रैकेट तो हो ही होगा ओके अब देखिए विच प्रॉपर्टी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग स्टेटमेंट अब देखो यहां पे कैरेक्टर सी एच इज इक्वल टू ए लिखा है तो कैरेक्टर तो आपका रैपर क्लास होती है और रैपर क्लास के आगे कुछ भी लिखोगे तो उसका ऑब्जेक्ट होता है और उसमें सी एच में आप ना ए स्टोर कर दिया तो ये कोई गलत स्टेटमेंट नहीं है कैर सी एच भी होता है और कैरेक्टर सी एच भी होता है अब ये ये देखा जाए तो ये आपका प्रिमटिव डेटा टाइप ऑब्जेक्ट में स्टोर हो रहा है इसका मतलब ये बॉक्सिंग हो रही बॉक्सिंग एक टर्म है ना बॉक्सिंग और अनबॉक्सिंग अन बॉक्सिंग को ऑटो बॉक्सिंग भी कहते हैं अब जरा आंसर्स पे ध्यान दे देते हैं क्या हो रहा है देखो साफ साफ लिखा है ऑटो बॉक्सिंग। आप यहां पे याद कर लीजिए कि किसी प्रिमटिव वैल्यू को किसी रेपर क्लास के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया जाए प्रिमिटिव वैल्यू प्रिमिटिव वैल्यू कैसी है ये कैरेक्टर है ऐसे यहां पर ऐसे में लिख सकता था इंटीजर टीजर एज टू ट्वेंटी फाइव तो ये प्रिमिटिव वैल्यू को इंटीजर नाम की रेपर क्लास के ए नाम के ऑब्जेक्ट में स्टोर किया जा रहा है इसको हम लोग ऑटो बॉक्सिंग या बॉक्सिंग कहते हैं और इसका उल्टा अगर ये रेपर क्लास के जो रेपर क्लास का जो ऑब्जेक्ट ए है इससे अगर वैल्यू किसी नॉर्मल वेरवेल में जाए जैसे हम यहां पर लिख दें आई एन टी बी इज इक्वल टू ए तो ए क्या है ये तो रेपर क्लास का ऑब्जेक्ट है ना और इससे वैल्यू बी में जा रही तो ये आपका क्या हो जाएगा अनबॉक्सिंग हो जाएगा अनबॉक्सिंग तो ये दोनों टर्म याद रखो बॉक्सिंग मतलब ऑब्जेक्ट में जा रहा है वैल्यू और अनबॉक्सिंग मतलब फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस जल्दी से पहचानो हायर टू लोअर पहले कौन सॉब होगा उसके बाद उसके बाद उसके बाद <coughs> तो अब यहां पर मैं एक तरफ से बता दे रहा हूं मैंने जो ऑपरेटर पढ़ाया है वो ऑपरेटर प्रेसिडेंस के हिसाब से ही लिखवाया है सोचो सबसे पहले कौन सा ऑपरेटर पढ़ाया हमने ऐसे अच्छा इसको ना देखो ऐसे याद करके बताओ कौन सा ऑपरेटर पढ़ाया था सबसे पहले यूनरी पढ़ाया फिर बाइनरी में सबसे पहले कौन सा पढ़ाया अर्थमेटिक पढ़ाया उसके बाद रिलेशनल पढ़ाया उसके बाद लॉजिकल उसके बाद असाइनमेंट फिर टर्नरी ऑपरेटर पढ़ाया अब उसी सीक्वेंस को यहां पे देखो सबसे पहले यूनरी होना चाहिए तो यूनरी यदि कि ये और ये देखो ये में, इसी में से ऑप्शन है उसके बाद फिर अर्थमेटिक होना चाहिए तो अर्थमेटिक है कोई बात नहीं उसके बाद रिलेशनल होना चाहिए तो दोनों में रिलेशनल है सही है उसके बाद लॉजिकल होना चाहिए तो इसमें लॉजिकल है और इसमें नहीं है तो यानी हमने जो ऑपरेटर प्रेसिडेंस आपको पढ़ाया है उसी का हमेशा फॉलो करना है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ द पार्ट ऑफ द क्लास विजिबिलिटी का मतलब कि कंट्रोलिंग वेराबल्स पे और फंक्शन में फंक्शन पर क्लास के अंदर कंट्रोलिंग करने के लिए कौन सी चीजें यूज की जाती है तो एक्सेस स्पेसिफाइड डेटा हाइडिंग के लिए प्राइवेट लगा देते हैं हम लोग या प्रोटेक्टेड लगा देते हैं ठीक है तो एक्सेस स्पेसिफायर उनको कहा जाता है जो कंट्रोल करते हैं कि कौन सा वेरिएबल या फंक्शन क्लास के अंदर यूज होना है या क्लास से बाहर यूज होना है फिर देखिए इन विच इन जावा विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द फोर्थ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो अब ध्यान देना फोर्थ एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो इन अ टू डबल डायमेंशन एरे अब देखो फोर्थ एलिमेंट चाहिए सेकेंड रो का तो सेकेंड रो का मतलब है ऐसे अगर हमने बनाया ऐसे ऐसे बनाया तो जीरो रो वन रो और टू रो तो सेकेंड uh, रो का बता रहा है वो और फोर्थ एलिमेंट मतलब वन जीरो वन टू इस तरीके से है ना तो वन टू थ्री फोर ये चार हो गए अब अब यहां पर जो है आपका फोर्थ एलिमेंट यानी कि जीरो वन टू थ्री थ्री पर फोर्थ एलिमेंट होगा और सेकेंड रो सेकेंड रो कौन सी होगी जीरो वन वन वाली सेकेंड रो होगी तो यानी कि वन और थ्री वन थ्री कहीं है सी ऑप्शन अब यहां पर ये पोजीशन को कहा गया है पोजीशन को डिस्क्राइब किया गया है और इंडेक्स नंबर एक कम होता है उसके हिसाब से लगाया गया है ये तो आपका वन थ्री बना कर ये समझ गए सब लोग ओके ऐसा सल देखिए फॉर यूजिंग स्ट्रिंग मेथड पैकेज कंटेनिंग देम इज नॉट इंपोर्टेड यूजिंग इंपोर्ट कीवर्ड तो इंपोर्ट कीवर्ड वर्ड से uh, कौन सा पैकेज uh, नहीं इंपोर्ट किया जाता है अगर स्ट्रिंग यूज़ करते हैं तो आपका जावा डॉट लैंग होता है उसी में सब स्ट्रिंग स्ट्रिंग के फंक्शन होते हैं तो यूजिंग स्ट्रिंग मैथड अगर स्ट्रिंग का कोई मैथड यूज कर रहे हो तो किसी भी पैकेज को इम्पोर्ट की से इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं है तो ये बात सही है क्योंकि स्ट्रिंग जावा डॉट लैंग में होती है और उसको इम्पोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है उसके क्लास स्ट्रिंग इज अ पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल तो क्लास स्ट्रिंग अभी अभी हम क्या बोल रहे हैं वो जावा डॉट लैंग की होती है और ये कह रहे हैं पार्ट ऑफ जावा डॉट यूटिल पैकेज तो ये रॉन्ग हो गया आपका जावा डॉट यूटिल तो स्कैनर होता है है ना तो आर गलत है और ए सही है ऑप्शन सी ऑनलाइन वाले बच्चे फिर बोलना बंद हो गए वॉइस आ रही मेरी यस yes, सर yes, yes, बोलते रहो बच्चा डिस्कशन से ही अच्छा हो पाएगा शांत जो बैठा जैसे पीछे मैडम बैठी है शांत बोली नहीं रही इतनी देर से कुछ हम देख रहे हैं कोई इंटरेस्ट लोगी नहीं लोगी बैठी हो यहां पर क्या बता रही हो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑर्डर ऑफ टाइप कन्वर्जन इन विच नो पार्ट ऑफ डेटा वैल्यू इज लॉस्ट डेटा वैल्यू लॉस्ट ना हो जैसे कि अगर फ्लोट को इंटीजर में स्टोर कराओगे तो उसका पॉइंट जीरो वाला पार्ट लॉस्ट हो रहा है ना तो इसका मतलब ये डेटा वैल्यू लॉस्ट ना हो तो इसका मतलब ये हुआ कि छोटे से बड़े में कन्वर्ट करने के लिए ये कह रहे हैं और छोटे से बड़े कन्वर्ट करने के लिए क्या कहते हैं इंप्लीसिड टाइप कास्टिंग तो इंप्लीसिड टाइप कास्टिंग को कौन फॉलो कर रहा है छोटा बड़े में कन्वर्ट होता है तो देखो यहां पर सर सी बाइट इंट में कन्वर्ट होगा सही है इंट शॉर्ट में कन्वर्ट होगा गलत हो गया बाइट इंट में कन्वर्ट होगा सही है इंट शॉर्ट में गलत हो गया बाइट शॉर्ट में कन्वर्ट होगा सही है शॉर्ट इंट में होगा सही है इंट फ्लोट में होगा सही है फ्लोट लॉन्ग में होगा सही है लॉन्ग डबल में होगा सही है इधर देखते हैं तो ये तो सब सही हो गया एक इसको भी चेक कर लेते हैं बाइट शॉर्ट में ठीक है शॉर्ट इंट में ठीक है लॉन्ग डबल में ठीक लॉन्ग डबल में ये भी ठीक है यार नहीं 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 नहीं, नहीं। <coughs> अभी हमने आपको बताया था जब थ्योरी पढ़ा रहे थे तो थ्योरी में हमने एक लाइन बताई थी आपको कि पॉइंट वाली वैल्यू हमेशा बड़ी होती है इंटीजर वाली वैल्यू से तो मेमोरी साइज के हिसाब से तो आपका इंट जो है फ्लोट से बराबर है लेकिन वर्किंग में फ्लोट बड़ा है और इंट छोटा है तो अगर इसको ध्यान रखें तो अब यहां पे गलत हो रहा है ये वाला कॉन्सेप्ट लॉन्ग इंटीजर वैल्यू है ना और हम फ्लोट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो फ्लोट तो पॉइंट वाली वैल्यू होती है वो हमेशा बड़ी मानी जाती है लॉन्ग भले ही आपका एट बाइट का होता है लेकिन फिर भी फ्लोट जो है पॉइंट वाली वैल्यू बड़ी मानी जाती है इंटीजर से तो इस हिसाब से ये वाला जो पार्ट लिखा है ये गलत है और यहाँ पे कुछ भी गलत नहीं है बाइट शॉर्ट में होती है पता है शॉर्ट इंट में होता है पता है और इंट लॉन्ग में कोई दिक्कत नहीं और लॉन्ग डबल में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं तो ऑप्शन करेक्ट आपका डी है अब यहाँ पर ये चीज़ जो मैंने बताई कितनी इंपॉर्टेंट है और बच्चा यहीं पर गलत करके आएगा वो फ्लोट सोचेगा फोर बाइट होता है लॉन्ग सोचेगा एट बाइट होता है गलत कर देगा जबकि बता दिया गया उसमें हमने पिक्चर भी दिखाई थी ऐसे ऐसे ही लिखा था उसमें कौन छोटा है कौन बड़ा है तो फ्लोट मेमोरी साइज के हिसाब से भले ही छोटा होता है लॉन्ग से लेकिन वर्किंग में प्रेफरेंस में फ्लोट पॉइंट वाली वैल्यू है इसलिए लॉन्ग से बड़ी मानी जाती है या पहले सॉल्व होती है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया बच्चों ऑनलाइन वाले बच्चे यस 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 सर 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 बहुत सारे इसमें क्वेश्चन बच्चों ने गलत किए होंगे हमें लग रहा है ऑटोमेटिक कन्वर्जन यानी टाइप कास्टिंग ऑफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ रैपर क्लास टू इट्स इट्सिव डेटा टाइप तो देखो ये तो अभी, अभी हमने बताया था रैपर क्लास से प्रिमटिव डेटा टाइप में क्या बताया था उल्टा लिख नहीं रही उसका मतलब ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं अभी हम अनबॉक्सिंग यस अनबॉक्सिंग अभी हमने बताया था प्रिमटिप से रेपर क्लास में कन्वर्ट करना वो बॉक्सिंग बताया था ऑटो बॉक्सिंग और रेपर क्लास से अगर प्रिमटिप में कन्वर्ट कर रहे हैं तो अनबॉक्सिंग <coughs> उसके बाद देखिए ये एक पैराग्राफ है व्हेन वे, अ मेथड इज डिक्लेयर्ड द फर्स्ट लाइन इज नोन एज मेथड हेडर सही बात है और मैथड प्रोटोटाइप पहली लाइन मेथड हेडर या मैथड प्रोटोटाइप कही जाती है और दिस लाइन कंटेन्स एक्सेस स्पेसिफायर यानी कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड रिटर्न टाइप मेथड का नाम और लिस्ट ऑफ पैरामीटर ये पहली लाइन को ही बता दिया जैसे हमने लिखा पब्लिक आई एन टी कंप्यूट और ब्रैकेट में आई एन टी आईएनटी आई एन टी बी दे दिया तो वही पूरी लाइन डिस्क्राइब कर दी गई है मेथड सिग्नेचर इज़ अ पार्ट ऑफ मेथड हेडर कंटेनिंग ओनली नेम ऑफ द मेथड एलोंग विद पैरामीटर लिस्ट ठीक ये सब बता दिया वॉट डज द प्रोटो मैथड प्रोटोटाइप कंटेन तो ये जो इन्होंने लिखा है यही आंसर है इसमें पहचानो पहले वो कह रहे हैं एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए देखो एक्सेस स्पेसिफायर ऑप्शनल होता है गायब भी किया जा सकता है हम लोग पब्लिक नहीं लिखते हैं फिर उसके बाद रिटर्न टाइप होता है तो रिटर्न टाइप इसमें है और फंक्शन फंक्शन नेम लिखा है रिटर्न टाइप कहां लिखा है क्या उल्टा लिख दिया गया क्या ये नहीं, आ, अच्छा अच्छा ठीक रिटर्न टाइप एक्सेस स्पेसिफायर लिस्ट ऑफ पैरामीटर मेथड नेम तो ये फिर से कह रहे हैं एक बार मैं देख लेता हूं वॉट डज अथेड प्रोटोटाइप कंटेंस फंक्शन प्रोटोटाइप में क्या क्या चीजें होती हैं तो तो यहाँ पे फंक्शन उसमें जो है एक्सेस स्पेसिफायर होना चाहिए रिटर्न टाइप होना चाहिए मेथड नेम होना चाहिए और पैरामीटर लिस्ट होना चाहिए और ये सीक्वेंस से भी लिखा है और इसमें सीक्वेंस टूट रहा है देखें किसी में सीक्वेंस मिल रहा है क्या फंक्शन सिग्नेचर पहले हो ही नहीं सकता वो तो पैरामीटर लिस्ट में होता है फंक्शन नेम एंड पैरामीटर लिस्ट ओनली ये भी गलत है ओनली लिख दिया है रिटर्न टाइप एंड मेथड सिग्नेचर ये हाँ तो ठीक है इसमें सीक्वेंस खाली खराब कर दिया गया है बाकी है सारी चीजें सीक्वेंस में होना ये चाहिए पहले ये होना चाहिए नहीं 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 पहले ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए और फिर ये होना चाहिए ठीक तो इसी के साथ फिर जाना चाहेंगे ठीक है देखिए जल्दी से बताओ गिव वन एग्जाम्पल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डायनेमिक इनस्लाइजेशन क्या होता है इनस्टलाइजेशन दो तरीके होते हैं स्टैटिक और डायनेमिक तो यहां पर एग्जाम्पल पूछ रहा है तो जैसे आई एन टी ए इज इक्वल टू फाइव ये स्टैटिक इनस्लाइजेशन है स्टैटिक यानी कि फिक्स्ड वैल्यू दे दी और अगर आप यहां पर कोई भी इनस्लाइजेशन करते समय उसके आगे वर्किंग कर दें वर्किंग मतलब कुछ भी कैलकुलेशन पार्ट या कुछ भी मान लीजिए हम फंक्शन ही यूज किए जा रहे हैं मैथ डॉट मैक्स और ब्रैकेट में टू कॉमा फाइव तो ये डायनेमिक है और ये ये डायनेमिक है अब यहां पर ये भी हो सकता था सी इज इक्वल टू आई एन टी सी टू ए प्लस बी तो ये भी डायनेमिक है यानी आगे कुछ वर्किंग हो रही है जिससे रिजल्ट बदल सकता है तो वो डायनेमिक है और जब कोई वर्किंग नहीं हो रही है रिजल्ट नहीं बदल सकता तो वो स्टैटिक है तो दो तरीके के इंसलाइजेशन होते हैं तो ये तो आपका डायनेमिक में आप यही वाली लाइन ये दोनों में से कोई भी लाइन इसमें मान सकते हैं और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन तो कैर सी एच इज इक्वल टू आई एन टी और यहाँ पर लिख दिया फाइव तो फा फाइव भी लिख सकते हो या आ, हाँ फाइव लिख दिया ठीक है तो फाइव एक मिनट मैंने आईएनटी लिख दिया यहाँ पर हम यहाँ पर सिक्सटी फाइव लिखेंगे सिक्सटी फाइव और यहाँ पर कैर लिखेंगे एक्सप्रशियट कर रहे हैं ना बड़े से छोटे में तो ये और ये सेम होना चाहिए देखो इधर ये चीज़ और ये चीज़ सेम होना चाहिए हम 65 हमारा इंटीजर में है और वो जब इसमें कैर लगाने से कन्वर्ट होगा तो वो कैपिटल ए बन जाएगा जाकर इसमें तो एक्सप्रेसिट हो गया उसके बाद शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर अच्छा इसको कैसे लिखेंगे शॉर्ट हैंड असाइनमेंट में ए डिवाइड इज इक्वल टू शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है ना फिर उसके बाद वर्ड विल बी द आउटपुट लखनऊ स्टोर है ये है ये है अब स्ट्रिंग में स्टोर कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में हर चीज़ क्या हो जाती है जुड़ जाती है तो एम में क्या है एम में हंड्रेड है और फिर एन में क्या है टू हंड्रेड है बिना स्पेस और एस टी आर में लखनऊ अब क्या कराया उन्होंने इसको प्रिंट करा दिया तो बस यही प्रिंट हो जाएगा समझ रहे हो यही आउटपुट आ जाएगा की रिकॉर्डिंग ही नहीं हो पाई यार <laughs> नहीं इसमें भी काफी गलत हुए होंगे बच्चों के ये भी पेपर अच्छा लग रहा है इफ स्टेटमेंट uh, uh, अब देखो यहां पर वैल्यू रखो हमने बताया इक्वल साइन से पहले तो रखना और इक्वल साइन पर गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर देना तो यहां पे देखो जेड की वैल्यू क्या है टू इन टू इक्वल साइन जगह पर गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट कर देंगे और प्लस प्लस वाई क्या करेगा टेन इंटू फिर ब्रैकेट में अब वाई प्लस प्लस तो टेन से यहां पे टेन ही बनाए रखेगा लेकिन यहां पे टेन के अलावा कोई भी वैल्यू हो आगे तो वाई है नहीं तो याद ही ना रखो और प्लस टेन तो टेन प्लस टेन ट्वेंटी टेन ट्वेंटी टू हंड्रेड इंटू टू फोर हंड्रेड फोर हंड्रेड आ गया ठीक है ऐसे सॉल्व करते चले गए हम इधर से उधर की ओर कोई गड़बड़ तो नहीं किया हां पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है ऑपरेटर प्रेसिडेंट ध्यान रखना ना तो पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद तब इंटू करोगे अगर ये ब्रैकेट ना लगा होता तो पहले मल्टीप्लाई होता फिर प्लस होता है उसके बाद राइट एग्जाम्पल ऑफ अ नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट नॉन एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट कौन सा है जैसे कि एस ओ पी एल एन और आपको मालूम है डबल कोर्स नहीं प्रिंट होता है है ना हमें प्रिंट कराना डबल कोर्ट्स और राम को डबल कोर्स में प्रिंट कराना है तो हम यहां पर लिखेंगे डबल कोर्ट्स और फिर स्लैश डबल कोर्ट्स राम और फिर स्लैश डबल कोर्ट्स और फिर डबल कोर्स ये वाला ये वाला तो ये ओरिजिनल लगता ही लगता ही लगता है लेकिन ये वाला जो डबल कोर्ट जो स्लैश के बाद लगा है ये राम को डबल कोर्ट्स में कर देगा तो यानी यहां पर आउटपुट आ जाएगा राम तो सिंगल कोर्ट्स या डबल कोर्ट्स को प्रिंट कराना नॉन एग्जीक्यूटिबल स्टेटमेंट में आता है स्लैश से ही प्रिंट होता है स्लैसी वो रीजन है जिसकी वजह से ये ये जो नहीं प्रिंट होते हैं वो प्रिंट हो जाएंगे जैसे यहाँ पर ये लगाते तो हैं हम लोग राम को लिखने के लिए लेकिन क्या ये प्रिंट होता है राम प्रिंट होता है ये नहीं प्रिंट होता है लेकिन हमें तो चाहिए ये तो ये सिंगल कोर्स हो डबल कोर्स हो ये सब नॉन प्रिंटेबल करेक्टर में आते हैं वो ऐसे ही प्रिंट कराया जाए या स्लैश का साइन ही प्रिंट कराना है मान लीजिए यहाँ पर ऐसे ऐसे तो स्लैश के बाद स्लैश लगा दो ऐसे तो ये क्या होगा ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा ऐसे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाए गए हैं और ये बच्चे अपने आप नहीं कर पाएंगे कुछ ना कुछ गड़बड़ करेंगे अगर प्रॉपर क्लास नहीं कर रहे हैं उसके बाद देखिए आउटपुट तो मैथ डॉट पाओ अच्छा आप देखो दिमाग लगाओ टू की पॉइंट टू की पावर थ्री करेंगे कितना आ जाएगा पॉइंट टू इंटू पॉइंट टू इंटू पॉइंट टू पॉइंट जीरो जीरो एट बाप रे ये क्या आ <spe town> गया उसके बाद ये तो पावर हो गई और फिर आपका सील फंक्शन सील फंक्शन क्या करेगा पॉइंट पॉइंट से पहले वाली वैल्यू बदल देता है तो यानी वन पॉइंट जीरो इसका आउटपुट वन पॉइंट जीरो आ जाएगा ये जो भी आया है इसका रिजल्ट बदलोगे तो वन पॉइंट जीरो हो जाएगा ना कंफ्यूज हो सकते नहीं हो सकते थे नहीं हो सकते थे मैथ जिनकी अच्छी वो कन्फ्यूज नहीं होंगे ओके okay. उसके बाद देखिए Uh, आपका वेरेबल uh, में अब देखो यही वाला हम लोग यूज़ करते हैं ना वॉल चेक करने के लिए कॉन्सेप्ट आज बड़ा खुशी हो रही है कि मेरा कॉन्सेप्ट पेपर में भी प्रिंटेड आ गया वरना कई स्कूल में तो इसको काट ही देते हैं टीचर लोग नहीं ध्यान देते हैं चलिए बताइए अब बताना आपको क्योंकि अगर हमने पढ़ाया है ढंग से तो आप लोगों को बता देना चाहिए और पीछे वाले तुम तुम सबसे पहले बताओगी बताओ इसका क्या आएगा पहले इसी लाइन का मतलब बताओ एन में क्या आ जाएगा वी डॉट इंडेक्स ऑफ सी एच और सी एच में तो कुछ होना चाहिए ना अच्छा नीचे वैल्यू लिखी होगी एक मिनट रुक जाओ दो क्वेश्चन है अगर सी एच में हमने ई e भेजा है तो उसके हिसाब से इसमें एन में क्या आएगा बताओ ई e आएगा हद हद हो गई सी एच में ई e है यानी कि यहां पर ई e है अब अंदर आओगे तो वी डॉट इंडेक्स ऑफ ई इंडेक्स ऑफ क्या करता है किसी करेक्टर का इंडेक्स नंबर बताता है तुमने इसमें इतनी लापरवाही कही है। हमारी नजर पूरी हो गई है तुम पर बहुत लापरवाही पड़ रही हो हाँ, तो वी डॉट इंडेक्स ऑफ स्मॉल e तो स्मॉल e का इंडेक्स नंबर क्या है देखो जीरो वन यहां right. पर वन रिटर्न होगा उसके बाद चेक होगा वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन ट्रू तो नीचे आए वी डॉट सबस्ट्रिंग फाइव तो जीरो वन टू थ्री फोर फाइव यानी कि ए ई आई ओ यू ये आउटपुट आ जाएगा अब दूसरा अगर हमने फाइव लिया है तो फाइव तो इसमें है ही नहीं तो क्या रिटर्न करेगा ये माइनस वन रिटर्न करेगा जब करेक्टर्न नहीं मिलता है तो क्या रिटर्न करता है माइनस वन और माइनस वन इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कंडीशन फॉल्स तो एन इंटू एन तो एन में क्या रिकनस वन माइनस वन इंटू माइनस वन माइनस वन।, वन तो ये आपका ये पहले का आंसर आंसर ये ये है 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 और दूसरे का ये है। क्या स्ट्रिंग पढ़ा है? बोल नहीं पाया समय से बहुत अच्छा पढ़ रही थी तुम इस समय सब डामाम और डोल है पता नहीं कहा जब से तुम गायब हुई हो वो भी फैक्टर होता है फिर देखिए बच्चों यहां पर एरर ढूंढनी है क्वेश्चन पढ़ना पूरा बच्चों इट हैज बीन कोडेड टू असाइन टेन वैल्यूज टू द इंटीजर एरे मतलब इस कोड में दस वैल्यू इंटीजर एरे में स्टोर करवानी है असाइन करवानी है उसका यह कोड है और एरर ढूंढना है तो पहली एरर क्या हो गई आई एन टी ए स्क्वायर ब्रैकेट होना चाहिए इस्क्ल टू न्यू आई एन टी स्क्वायर ब्रैकेट में टेन ये दो एरर दिखाई पड़ी पहले ठीक है फिर फॉर आई एन टी आई इज इक्वल टू ज़ीरो आई इज लेस देन टेन इक्वल टू गलत है और आई प्लस प्लस और ये सेमी कॉलन नहीं लगेगा नहीं तो एमपटी लूप बन जाएगा और उसके बाद कल्ली ब्रैकेट खोलना खोलो नहीं तो बस ए ऑफ आई इज इक्वल टू और ये टेन वैल्यूज स्टोर करनी है तो आप चाहो तो आई की ही वैल्यू स्टोर कर दो आप चाहो तो आई जीरो स्टोर करवा रहा है तो आई प्लस वन कर दो तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एड नाइन टेन टेन स्टोर हो जाएगा तो आई प्लस वन करने से आई ज़ीरो है ना तो ज़ीरो प्लस वन वन तो इसके जीरो वाले बॉक्स पे कहाँ जा क्या जाएगा वन जाएगा तो ऐसे नाइन वाले बॉक्स पर टेन जाएगा तो ये पूरा कोड ही लिख दो हो गया एरर का नाम बताना था क्या करेक्ट करना था ना हाँ तो ये लिख दिया हम लोगों ने है ना कंप्लीट हो गया नहीं तब भी सही है वो फिर जीरो वन टू थ्री स्टोर कर देगा नाइन तक <coughs> फिर देखिए यहां पर एक फंक्शन दिया है जिसमें एक्स वाई की वैल्यू आई है अब अच्छा कोई बात नहीं ये रीराइट वाला है प्रिंट सम को आफ्टर कनेक्ट करेक्ट कनेक्टिंग द एरर प्रेजेंट इन इट री राइट यदि दोबारा से फिर से यही लिखे हैं अच्छा तो ठीक है कोई बात नहीं अब देखो इसमें जरा गौर करो ये, नहीं ये प्रिंट सम को खाली करेक्ट करने के लिए कह रहा है बाकी तो सब सही होना चाहिए सिर्फ प्रिंट सम के बारे में कह रहा है ना <coughs> देखो अच्छा एरर ढूंढ लेते हैं डबल सम ब्रैकेट में आई एक्स कॉमा आई वाई ये सही है कल ब्रैकेट फिर यहाँ पर डबल कर दिया और एक्स प्लस वाई ये भी सही है क्योंकि एक्स वाई में जो भी होगा रिजल्ट वो डबल में कन्वर्ट होकर रिटर्न हो जाएगा नो no प्रॉब्लम कल्ली ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ देखें वर्ड प्रिंट सम ठीक है और आई एन टी ए कॉमा आई एन टी बी हो गया ये भी सही है और फिर ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे सम नाम का फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो ऊपर वाला ये नेस्टेड फंक्शन इसी को कहते हैं एक नॉर्मल फंक्शन को किसी दूसरे नॉर्मल फंक्शन में कॉल करना तो ये फंक्शन कॉलिंग है नेस्टेड फंक्शन नेस्टेड फंक्शन नहीं है लेकिन फिर भी है <coughs> तो क्या होगा ये फंक्शन कॉल होगा ए और बी की जो भी वैल्यू यहां लाए गए होंगे वार्डमैन से वैल्यू आई होगी यहां पर बी में मान लीजिए टू और फाइव आ गया और ये फंक्शन कॉल हो गया तो टू प्लस फाइव कितना हुआ सेवन अच्छा अब यहां पर एरर एरर सही करना है ना तो इसमें ऊपर जब ये सम फंक्शन कॉल होगा तो यहां जाएगा और इसको दो वैल्यू चाहिए यहां तो हम सम भेजे दे रहे हैं तो यहां पे क्या गलत है इस जगह पर सही क्या है The, दो वैल्यू पर चाहिए तो दो वैल्यू होनी चाहिए ना वो तो समय भेजे दे रहे हैं डायरेक्ट ए कॉमा बी भेजना पड़ेगा आपको तो ए कॉमा बी से ए की वैल्यू एक्स में चली जाएगा और बी की वैल्यू वाई में चली जाएगी और उसके बाद ये सम होकर रिटर्न हो जाएगा अब रिटर्न हो जाएगा तो ये रिटर्न टाइप कैसा है डबल टाइप का और यहां तो लगा है वर्ड तो वर्ड तो रिटर्न करता ही नहीं सॉरी एक मिनट ये यहां पर यहां तो लगा है इंटीजर आई एन टी और वैल्यू कैसी रिटर्न हो रही डबल तो यहां पर गलत क्या है ये आई एन टी हटाओ और यहां पर डबल अच्छी बात है डबल तो डबल एक्स इज इक्वल टू समट में ए कॉमा बी गोल वाला ब्रैकेट बंद कॉलन और उसके बाद एसओपी एक्स में जो भी वैल्यू आई होगी वो प्रिंट हो जाएगी तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिया था टू ओ फाइव लिया था तो टू ओ फाइव यहां से भेजा गया सम फंक्शन कॉल होकर यहां गया टू ओ फाइव यहां ले आया और इसका सम करके टू प्लस फाइव सेवन आया और डबल लगने सेवन पॉइंट जीरो यहां से रिटर्न होकर यहां आ गया एक्स में ठीक है ना और फिर यहां प्रिंट यहां प्रिंट कराओगे पर आउटपुट हो जाएगा तो दो गलती थी एक ही नहीं डबल होना होना चाहिए चाहिए क्योंकि जैसी वैल्यू रिटर्न हो रही वैसा ही टाइप स्टोर करने वाला होना चाहिए। और यहां पर दो पैरामीटर थे तो प्लस लगा दो, तो एक ही जाएगी। अभी कैमरा ऑफ कर देंगे yes, चलो, एक बच्ची डर गई yes, हाउ मैनी बाइट्स विल बी ऑक्यूपाइड बाय द बुलियन एरे ऑफ ट्वेंटी एलिमेंट तो बुलियन एरे बुलियन टाइप का है एरे जो पहली बार देख रहे हो या सुन रहे हो ठीक है तो कितनी बाइट लेगा बाइट पूछ रहा है अब बुलियन तो बिट लेता है बुलियन तो बिट लेता है तो 20 एलिमेंट है इसी यानी कि 20 बिट्स लेगा वो ठीक है 20 बिट्स लेगा अब तुमको बाइट में चाहिए तो इसको बाइट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे छोटी चीज को बड़ी चीज में बाइट बाइट इक्वल बिट होता है तो छोटे बड़े में जाएगा तो डिवाइड होगा तो यानी ट्वेंटी डिवाइडेड बाई एट कितना निकला तो टू टू बाइट्स पॉइंट वाली वैल्यू नहीं ली जाएगी टू बाइट्स आपकी यह यहां पर आंसर हो जाएगा और नहीं कुछ तो एट बिट तो लिख के आओ ही हो।, हो सकता है इनसे गलत हो गया हो कि बिट्स लिखना चाहिए बाइट्स लिख दिया तो यहाँ पर ये यह अगर हमने निकाल के दिखा दिया है ट्वेंटी बिट्स और इसको एट से डिवाइड करके टू है टाइम एक घंटे के हिसाब से तो ओवर हो गया है अब बस हम लोग एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है और फिर इसी को कंटिन्यू करेंगे हम लोग देखो एक यहां पर वाटर बिल है तो वाटर बिल ये देखो नेक्स्ट नेक्स्ट दिया नहीं गया है नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं दिया गया इसका मतलब ये कैसा है ये आपका डिस्काउंट डिस्काउंट टैक्स टैक्स वाले तरीके से जैसे में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा के कर दिया जाता है ना तो उस वाले तरीके से वही इनपुट वही कैलकुलेट और वही डिस्प्ले इसमें कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना अच्छा वो वाली पॉइंट याद रखना अगर नेक्स्ट नेक्स्ट नहीं लगा है और भले ही इलेक्ट्रिसिटी वाला बिल वाला क्वेश्चन तुमको दिखाई पड़ जाए तो उसको डिस्काउंट वाले तरीके से करना है वो पुरानी वैल्यू पुराने हिसाब से नई वैल्यू नए हिसाब से नहीं करना है जब स्टार्टिंग एंडिंग स्टार्टिंग एंडिंग दी जाती है तो जनरल तरीके से करना है और जब नेक्स्ट नेक्स्ट कीवर्ड दिया जाता है टेबल में तो पुराना पुराने हिसाब से और नया नए के हिसाब से ये ध्यान रखना है तो ये वाला हो जाएगा उसके बाद देखो डिफाइन अ क्लास जावा एक्सेप्ट नेम ट्वेंटी फोर्टी शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर यूजिंग बबल शॉर्ट ठीक है ये बहुत बार करा चुके हैं हम लोग काउंट एंड प्रिंट नंबर ऑफ अपर केस लेटर नंबर ऑफ वर्ड्स नंबर ऑफ स्पेशल कैरेक्टर तो ये भी हम लोग कर चुके हैं और फिर आपका ये क्या है एक्सेप्ट अकाउंट नंबर टू चेक एंड प्रिंट वेदर द प्रेजेंट ये भी सर्चिंग हो गई बायनी सर्च से करना खाली है ना तो इसको भी देख लेंगे हम लोग ठीक है उसके बाद ये आप देखो ये आप, आपको बताया गया था फंक्शन ओवरलोडिंग तो वही सारी चीजें इसमें ये सीरीज वाला क्वेश्चन लास्ट वाली क्लास में कराया था ठीक है हाँ ठीक है याद है हमें याद है वन टू थ्री खाली बढ़ रहा था और ये वाला एक एस है और एक सी एच एस एच को इसमें फाइंड आउट फाइंड आउट करना है कितनी बार मतलब जैसे मान लीजिए वेलकम है तो वेलकम एस में है और सी एच में ई e है तो वेलकम में ई e कितनी बार है तो करेक्टर तोड़ो और सी से मैच करा लो अगर वो ई e है तो दो बार ई e है तो सी सी प्लस प्लस कर लो काउंटर अवेलेबल है ना तो ये आराम से हो जाएगा लेकिन हम लोग कल देख लेंगे इसको और ये देखो सिंपल वाला प्रोग्राम ये बोर्ड का क्वेश्चन है स्पेशल नंबर वाला चलो खत्म तो ठीक है अगली क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे बच्चों प्रेजेंट लगा देना